ये थाईलैंड सीरीज का 6th एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट, बिग बुद्धा टेम्पल और बार्बर वी के पास। थाईलैंड आए हुए हम लोगों को 5 दिन हो गया था और 6th डे में शुभ्रांशु को आ गया गुस्सा। क्यों आया हूँ थाईलैंड? क्यों, क्या हो गया? अरे क्या जाके दिखाऊंगा घर में फोटो, ये पार्टी करने का फोटो, लड़कियों के साथ दारू पी रहा हूँ वही दिखाऊंगा जाके। तुम एयरपोर्ट में आए उसका फोटो दिखाना, गाड़ी में बैठे उसका फोटो दिखाना। ये देखो मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूँ, ये से दिखाऊंगा क्या? तुम मसाज का फोटो दिखाना। तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके आया था, तुम लोग सही से प्लान किए नहीं मुझे लगता, यही दिखाऊंगा जाके क्या? मैंने प्लान नहीं किया, उज्जवल ने प्लान किया। मैंने तुमको बोला था एक बार प्लान देख लो कि क्या प्लान है। अरे उज्जवल तुम क्या किए, तुम क्या किए? अरे भाई थाईलैंड के पार्टी नहीं, तुम भी बोले उज्जवल ने किया। अरे तुम दोनों तो प्लान किया था, मतलब क्या है क्या? अब आके खाली पार्टी ही पार्टी कर रहे हो और कुछ है नहीं, यही था क्या प्लान? अरे ऐसा प्लान नहीं था, प्लान यही था मतलब। अरे अरे हम लोग एक काम करते आज आसपास का कहीं पे जगह जाते हैं जहाँ पे तुम घर पे फोटो खींच के दिखा सको, चलेगा? चलेगा, चलो कहीं पे भी चलो भाई, अच्छा कुछ फोटो लेना है, नहीं तो मैं पूरा जाऊंगा एकदम, सब गाली देंगे। गए थे थाईलैंड और कुछ देखा ही नहीं, कुछ क्या किया जाके? चलो कुछ प्लान करो ठीक से, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहने वाला हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है जाएंगे। अभी हम लोग आए हैं बिग बुद्धा टेम्पल पे। दूर से ही देख लिया हमने बुद्धा स्टेचू और सामने ही 7 सर वाला सांप का स्ट्रक्चर, आई गेस नाग है। आने के साथ साथ एक और झगड़ा देखते हैं यहाँ पे। ये मैडम बोल रही है एक फोटो खींचना है, उधर से एक ने बोला नो, यहाँ पे फोटो खींच नहीं सकते ऐसे। ये लड़का फोटो खींचने नहीं दे रहा है, ये मना कर रहा है फोटो खींच नहीं सकते, फिर भी लड़की जिद कर रही है कि उसको खींचना ही है। बात यह है कि ऐसे शॉर्ट्स पहन के बुद्धा स्टेचू के सामने उनके साथ फोटो नहीं खींच सकते, एटलीस्ट नी तक कपड़ा होना चाहिए। मैडम ने बहुत कोशिश किया लेकिन ये भाई साहब सख्त लौंडा निकला। चलो 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 उज्जवल से चलो चलो कमांड मिलने के बाद चढ़ना शुरू किया हमने सीढ़ी। बहुत ही लंबा स्नेक स्टेयर के दोनों साइड पे, जितना चढ़ रहे सीढ़ी उतना बुद्धा स्टेचू नजदीक आ रहा है ऑब्वियसली। और जितने लोगों ने भी शॉर्ट्स पहने हैं सब लोग एक एक चद्दर लपेट के स्टेचू के पास जा रहे हैं। किसी भी देश में घूमने जा रहे हो तो वहाँ का ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो ये है बिग बुद्धा। ये लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू का हाइट है 18 मीटर। ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। जितना सारा भी स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे सारा गोल्डन कलर के है। बुद्धा जी के सामने यहाँ पे कुछ कुछ स्टैंड्स है और इसका बगल में बैम्बो में पत्ता का छोटा छोटा स्टैंड है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये जो पैसा है ये इसके अंदर डालना है, ये डाल दिया, डाल के मन्नत मांगना है, उसके बाद लगाना है। अलग अलग जगह का अलग अलग रूल्स है, अलग अलग स्टाइल है। ये बहुत ही सुंदर किस्म के कैंडल्स है, मस्त है। अभी तो बुद्धा जी का पीछे आ गए हम। थाईलैंड पे 93% से ज्यादा लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे मोनेस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। और इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। यहाँ पे आने के लिए कोई टिकट खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता, एंट्री जो है वो फ्री है। एंट्री फ्री है इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। पटाया में और भी काफी जगह है जहाँ पे एंट्री फीस 1000 के ऊपर है, वहाँ नहीं गए हम लोग। ये छोटा सा बच्चा आया, फूल रखा मूर्ति के सामने और ऐसे विक्ट्री साइन दिखाया लॉर्ड बुद्धा के तरफ और उसका मम्मी ने हंस दिया। यहाँ के लोकल जो है ये आते हैं मंदिर में प्रणाम करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन हमारे से टूरिस्ट जो है वो आते हैं फोटो वगैरह खींचने के लिए। बस हो गया, शायद शुभ्रांशु का जो टेंशन था वो भी गायब हो गया अभी। अच्छा शुभ्रांशु, हम लोग तो इतना दिन यहाँ पे पार्टी किया, वॉकिंग स्ट्रीट में घूमा और मसाज करवाया, सब कुछ करवाया, फिर लास्ट में बुद्धा टेम्पल आने का क्या मतलब है? ये तो पार्टी पार्टियों का शहर है ना। हम लोगों ने आके बहुत सारे पाप किया, अभी वो पुण्य करने आए। और घर पे क्या दिखाएंगे, कहाँ के घर पे क्या था लड़का? घर पे कम टोपी दिखा रहे हैं ना, टोपी टोपी पहना रहे तो ये दिखाएंगे ना कि हम बुद्धा देखने आए थे, ट्रेडिशनल चीज देख रहे हैं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, हाँ और कुछ नहीं। भूख लगा था बहुत तो हम चले गए 7-Eleven स्टोर पर। तो यहाँ पे क्या ना कि नॉर्मल जो ब्रेड वगैरह होता है ऑलमोस्ट 90% सामान में सामान नॉनवेज रहता है, चिकन हो पोर्क हो फिश डाल देते हैं। गूगल लेंस हम लोग यूज़ करते और गूगल लेंस से बहुत आसानी से सब कुछ पता चल जाता है। इधर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गूगल लेंस ऑन करके यहाँ मैं लिखाऊंगा आइस्ड टी, साथ साथ क्या होता है जो ट्रांसलेट होके यहाँ पे दिखा देता है ऑटोमेटिक। कुछ भी करना नहीं पड़ता, बस मोबाइल को ऊपर रखो पूरा एकदम काम हो जाएगा आसान।
यह मैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है यहाँ पे। जैसे ही मैं लेंस पे रखूंगा, लेकिन गूगल लेंस ने सारा टेंशन ही दूर कर दिया मेरा। बहुत लोग को ऑलरेडी पता होगा गूगल लेंस के बारे में, लेकिन मुझे दो दिन पहले ही पता चला। सब नाम वाम पूरा आ गया। ये देख के मुझे पता चला कि मीट है कि नहीं खाने में। मैंने खाने के लिए लिया ये नूडल्स। पैकेट का कलर डिजाइन बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब सोचो पैकेट का डिजाइन देख के खाना कौन खरीदता है। यहाँ से खरीद के इनको दे देने से ये पानी वानी मिला के गरम वरम करके दे देंगे, तो इंस्टेंटली हम लोग खा सकते हैं। यहाँ पे फ्री में हॉट वाटर मिलता है, कोल्ड वाटर मिलता है, तो स्टोर से खरीद के इंस्टेंटली आप खुद का नूडल्स खुद बना के खा सकते, और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। और साइड बाय साइड हमने बुक कर लिया था कैब, और थाईलैंड का कार नंबर कुछ ऐसा दिखता है। हम लोग तो कार देख के शॉक, क्या क्या गाड़ी आता है भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या आ रहा है। मैम ने बोला दिमाग मत खाओ, बेल्ट लगाओ। हर दिन अलग अलग कार में हम लोग जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटाया फ्लोटिंग मार्केट में। मैडम ये कैब को चला रही है, और मैम का जो बच्ची है वो दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए। मैडम का नाम है लिली। अच्छा, हेलो हेलो लिली। हेलो, आई लाइक टू मिस यू कैब। वी लव थाईलैंड। और उज्जवल को जब भी मौका मिलता है ये लाइन बोलता है, वी लव थाईलैंड। हैव यू एवर बीन इन इंडिया? हाउ मच द कैब? 8000 रुपीस। 8000 INR मींस 4000 baht। टू वे? टू वे 8000 baht। हम लोगों ने कार के अंदर बैठ के ही खाना शुरू कर दिया। कॉर्न का ये कुछ नूडल्स है, एक का ये नूडल्स खा रहा है। मैम बाहर गई थी हमको कार के अंदर बिठा के, तब हम ये देखते हैं। हर एक कैब में सीसीटीवी रहता है, और उसके साथ साथ ये कैब में तो थोड़ा अलग ही है। ऊपर का व्यू दिखा रहा है, ऊपर का व्यू कैसे आ रहा है भाई? ए व्यू टेक की व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है कि ये डमी व्यू है, साइड से जो कार जा रहा है उसका शेडो भी आया है यहाँ पे, जो सीसीटीवी जोन में है। ना ना सीसीटीवी जोन ना, ये देखो ये कार का ऊपर का व्यू। ओह शिट, चेंज कर दिया मैंने। तो चलो हम हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, पटाया फ्लोटिंग मार्केट। इधर शायद बकरी बहुत रेयर है, या फिर जो लोग भी यहाँ पे है उनके देश में शायद बकरी उतना है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे बकरियों को खाना खिलाया जा रहा है। पैसा देखे, फ्लोटिंग मार्केट का टिकट प्राइस है 500 baht। टिकट दिखा के अंदर घुसते ही देखा इधर कैमरा लगा हुआ है, और खुद का चेहरा आ रहा है। स्माइल प्लीज। हाय। हमारा स्वागत पे खड़ी है या खड़ा है पता नहीं, और यहाँ घुसने के साथ साथ हमारा स्वागत करते हैं। घुसने के साथ साथ एक बड़ा सा गेट, और बैकग्राउंड में कुछ चाइनीज म्यूजिक। चाइनीज तो नहीं है, थाई म्यूजिक होगा, बट सुनने में चाइनीज ही लग रहा है। फिर एक और लड़की हमारा स्वागत करती है, शुभ्रांशु को बुलाती है। शुभ्रांशु अंदर अंदर सोच रहा है बस यही तो चाहिए था जिंदगी में, आज इस दुनिया में पैदा होने का मकसद पूरा हो गया। और उधर उज्जवल को रहा नहीं जा रहा था। उज्जवल तो बहुत खुश, लेकिन वो उज्जवल को छोड़ के शुभ्रांशु के पास चली गई, और उज्जवल दुखी हो गया। मुस्कान देख रहे हो लड़के की, और एक लड़की आई। मैं लड़की है बोल रहा हूँ, पता नहीं ये लड़का है कि लड़की। मैं थोड़ा देर के लिए भूल गया था कि मैं कहाँ से हूँ। नमस्ते नमस्ते। अब मेरा बारी, पोज मारने वाले थे फोटो के लिए, मैंने बोला वीडियो है। वैसे कभी कभी अंदर में जो लड़का है उसका आवाज निकल जाता है। ये लोग तो हाथ हिलाने लगे, डांस करने लगे, तब मैंने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये किया। प्रणाम भी कर दिया। अब और उज्जवल को भी और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, हम तीनों का स्माइल बंद ही नहीं हो रहा है। ये पीछे वाली क्या बोल रही है पता नहीं, टॉन्ट कर रही है शायद। ये किस करने ही आई, मैंने सोचा सच में करेगी, मैंने गाल हल्का सा आगे किया, वो एक्चुअली मेरा रिफ्लेक्ट एक्शन था। वी लव बैंकॉक। उज्जवल ने जोश जोश में बोल दिया वी लव बैंकॉक, लेकिन भाई साहब हम तो पटाया में है। पीछे से लड़की ने बोला वी आर पटाया। उज्जवल ने अपना गलती को मेकअप करने के लिए बोला ऑल्सो थाईलैंड। ये सुन के ये चौक क्यों गई पता नहीं। हाँ ये सब शायद लेडी बॉय है। क्या लेडी बॉय? हाँ लेडी बॉय। तो एंट्री लेने के साथ साथ ये लोग स्वागत करते, फोटो खिंचाते। फोटो खिंचाने से पहले शक हो रहा था कि पैसा मांगेंगे, लेकिन हाँ पैसा मांगते, और हम लोगों ने थोड़ा पैसा पे कर दिया। 50 baht के लिया हम लोगों से फोटो या वीडियो करने के लिए। सुब्रांशु ने सोचा था ये सब लड़कियां है, लेकिन बाद में इसको पता चला। लेकिन थोड़ी देर पहले उज्जवल ही बोल रहा था ये लाइन, और खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां। वाह। सुब्रांशु ने सोचा था ये सब लड़कियां है, लेकिन बाद में
इसको पता चला इतना गलत बात है मेरे नाम पे बोल देना है तो समझाते कि ये लड़कियां नहीं है, ये लेडी बॉय है, इनको इन लोगों से मत जाओ। लेकिन पैसा देके तुम ही लोगों ने से फोटो खिंचवाया और कुछ नहीं किया। किस मैंने लिया नहीं, मुझे दिया। नाम है फ्लोटिंग मार्केट तो शॉप्स तो होंगी, और ये जितना सारा शॉप्स देख रहे हो वो सारा शॉप पानी के ऊपर है। कपड़ा का दुकान, फ्रूट्स, जूस का दुकान, सारा कुछ इधर ही है। तो नाम क्या पता नहीं है, हुलियानिया कुछ बोला, फनारस। फनारस मैंने ऐसे ही ये फ्रूट का नाम बोला फनारस, और उज्जवल ने बिलीव कर लिया। अमित ने बोला इसका नाम फनारस, फनारस से नाम बोल दिया फनारस। क्या फनारस ना खाली खाली बोला ये बेकार सा। इसका बात को लेते हो सीरियसली? मैं से जो वहाँ पे मिलता होगा नॉर्थ ईस्ट में। स्वादिखा। मैंने सोचा कॉफी सीड्स दे रही है। थाई बादाम। व्लॉगिंग जरूरी है, उसी का ही तो पैसा है। मुझे ऑलरेडी पता चल गया था कि ये बादाम है, लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड करने के लिए मैंने फिर से पूछा, व्हाट इज दिस? थाई बादाम। थाई बादाम। थाई बादाम। स्वादी खा का मतलब है हेलो, और खपुन खा का मतलब है थैंक यू। एक पाव, एक पाई, टू नी पाई, एम पाव। भाई भाई पाव, सम पाव। अच्छा भाई, टू नी। हाय। 100 बात। 100 बात। कैट बाय टू, कैट वन फ्री। वी विल टेक व्हेन वी गो बैक। ओके, थैंक यू। इधर एक गिफ्ट शॉप देख के शुभ्रांशु ने सोचा कि भाभी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदेगा, तो हम लोग को बोला कुछ सजेस्ट करो, तो हमने ये सजेस्ट किया, भाभी के लिए टोपी लेके जाओ। भाभी को टोपी पहनाना है तुम्हें। तुम टोपी पहनो। सोचा कुछ खरीदूंगा, लेकिन इधर सामान का प्राइस महंगा है, 150 बाट बोल रहे हैं सिर्फ। ये हमने कुछ सामान खरीदा और शुभ्रांशु ने एक टोपी खरीद ही लिया, और मैंने भी एक खरीदा। 100 100 भालो लगछे शर्टर साथे, अच्छा लग रहा है, लाइट डार्क लाइट अच्छा लग रहा है। स्वादिखा। स्वादिखा। लिपस्टिक लगाओ क्या? लिपस्टिक नहीं भाई, माथा में लगाने के लिए बाम। व्हाट इज दिस? येलो ऑयल फॉर द मसाज। थाई। थाई मसाज बाम। यस। विक्स है, विक्स। अमृतांजन। ऐसे बोट पे ना घूम घूम के सामान भी बेचते। ये एक्चुअली क्रोकोडाइल का मीट है, और इधर कुछ तो है बेम्बो का कुछ सामान है। मार्केट जो है वो काफी बड़ा है, अंदर में बहुत सारे ब्रिज है छोटे छोटे। अरे वो क्या है भाई, तुमने क्या उठा लिया है? ये इसने क्या उठा लिया भाई? मसाज होता है एक्चुअली, ऐसे ऐसे पैर का मसाज। और पीछे है पटाया फ्लोटिंग मार्केट। उज्जवल को इसके साथ भी फोटो खींचना है। उम्मीद है खींच रहा है इस थाई लगे की फोटो। देखो मैडम ने बोला हम तीनों का फोटो खींच के देगी। ब्रिज के नीचे से नाव जा रहा है इधर, थोड़ा देर बाद वैसे हम लोग भी नाव पे बैठने वाले। एटर नाम की बोले चलो, फनारस। व्हाट इज दिस? जूलियन। और सोचा कुछ खा लेते, थाई मैंगोस खाएंगे। मीठा दो। गुड। बोटिंग करने जा रहे हैं अभी। हमने जो टिकट लिया था 500 भाट का, उसमें बोटिंग इंक्लूडेड है, तो ऐसा ही एक बोट में हम लोग शायद बैठने वाले। शुभ्रांशु सामने, उज्जवल पीछे, और मैं बीच में। सबको एक एक टोपी देते हैं धूप से बचने के लिए, और मैंने एक्चुअली दो टोपी पहना है। ऊपर पहन लिया ये टोपी। ऐसे शॉप के सामने सामने से लेके जाते। दोपहर को राइड पे निकले थे तो धूप तो ज्यादा हो गई। ऐसे जब बोट क्रॉस करता है ना, देख के लगता है कि अभी टक्कर खा जाएगा। खपुन खा। खपुन खा। स्वादिखा। स्वादिखा। हेलो। अच्छा ही लग रहा है, शायद शाम होता या फिर अर्ली मॉर्निंग होता तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। हाथ से हाई कर दो। नाम ही देना क्या उधर? शायद इधर ही उतार देंगे क्या हमको? इसने बोला था 29 मिनट जैसा। मैंने बोला था, वहाँ पे लिखा हुआ था। बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। कितना देर? 5:30। 4-5 मिनट। 4-5 मिनट। 5 मिनट। 10 मिनट। हम तीनों डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितना टाइम हम लोग को घुमाया है बोट में। ये मार्केट के अंदर का जो घुसने का जो टिकट है और बोटिंग का जो टिकट है वो है टोटल 500 भाट पर हेड। अब सोच रहे हो, मतलब 1000 रुपये ऑलमोस्ट, 1000 INR ऑलमोस्ट। और थोड़ा अगर बोट से घुमाते तो शायद वो पैसा वसूल होता, लेकिन वसूल नहीं हुआ, है ना। फ्लोटिंग मार्केट का जो टिकट प्राइस है वो है 200 भाट एंट्री फीस, और बोट अगर लेते तो 400 भाट। इतना खास लगा नहीं फ्लोटिंग मार्केट, तो आप लोग स्किप कर सकते हो। फ्लोटिंग मार्केट के अंदर ऐसा टाइप का आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग खा सकते हो। उधर एक बच्चा सो रहा है और शुभ्रांशु बोल रही है प्लास्टिक का बच्चा है। प्लास्टिक बच्चा है क्या? प्लास्टिक बच्चा है, पागल हो क्या? प्लास्टिक बच्चा है, प्लास्टिक जैसा लग रहा है। बोल रहे हैं कि प्लास्टिक बच्चा है।
फ्लोटिंग मार्केट से निकल के थोड़ा रेस्ट किया। अभिनव उज्जल को एक खास जगह पे जाना है, एक बार्बर के पास। वहाँ जाने के लिए हम लोग निकल गए। शॉप में पहुंचे और मैंने देखा ये तो लेडी बार्बर है। उज्जल बोल रहा है जूम करके अच्छे से वीडियो करना। थाईलैंड आने से पहले उज्जल ने आंखों का ऑपरेशन किया था, उसके वजह से डॉक्टर ने मना किया कि सर पे पानी नहीं देना है, तो इसीलिए यहाँ पे हेड वॉश करवाने आया है। तो मैं हेड वॉश करवाने आया हूँ ताकि मेरे आँख में पानी ना जाए। Welcome to Barber Bee Thailand, ka? Makeup on, ha? Yes. जैसे ही बोला ये वीडियो YouTube में अपलोड होगा, उज्जल का काम शुरू करने से पहले खुद मेकअप करने लगी। Hi. Hello everyone. Hello India. No problem. नहीं नहीं ये आज दिखा रही है कि कैसे लेटना है यहाँ पे। Okay. बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा बार बार मुझे कभी इस ज़िंदगी में नहीं मिला है। एक्चुअली ये ज़रूरत भी था क्योंकि मुझे ये हेड वॉश नहीं मिल रहा था, तो हेड वॉश तो वो करना ही था। कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर रहा है। सो योर नेम बी, ये कैसा नाम है? बी पूछ रही है कि पटाया कितना दिन हुआ? और बालों को ऐसे क्लीन कर रही है ताकि आंखों में पानी ना जाए। उज्जल पूछ रहा है कि इसका घर कहाँ पे है। My home, road, Mimbri, 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 near, Sonapung. I don't, you text me Instagram, right? वो पूछ रही है इंस्टाग्राम मैसेज किया था क्या तुमने? बहुत इंडियन लड़के इसको गलत गलत मैसेजेस भेजते। Some people in India text me. Yes. Serious. Oh God. B, I love you. B, I want you. B, I want to see you. I want to meet you. Blah blah blah. Text me banana. हेड वॉश करवा के खत्म। अभी पता नहीं और क्या क्या करवाएगा। अभी सेविंग कर लेते हैं। पता नहीं ये लड़की को बीच बीच में क्या हो जाता है। और क्या चाहिए जिंदगी में उज्जल को, यही तो चाहिए था। जब से यहाँ घुसा है तब से जो स्माइल इसने स्टार्ट किया है वो स्माइल अभी तक चल रहा है। ये लड़की को शायद फिर से दोहरा पड़ गया, ये एक बीमारी है। और इधर उज्जल ने अपना नाम बदल दिया, ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं। यू नो माय नेम इज उजी। उजी ये कब से हुआ? या उजी, यस। एंड ही इज अमित। He's a mate. Yes, and that guy, his name is Sakar. Sakar. Okay. Yes. So at last, खत्म हुआ सारा। Hair wash का 250 baht, shave करने का 150 baht, total 400 baht, मतलब approx 900 रुपए यहाँ पे उज्जल ने खर्चा किया है। Oh, अभी भी खत्म नहीं हुआ है हरकत। अच्छा, फोटो खींचना बाकी है अलग अलग पोज में। मैडम ने मेरा चश्मा ले लिया, मैम को और खींचना है फोटो। चलो खत्म हुआ। अच्छा तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा तो उज्जल को अब मुजरा करना है। चलो चलो बहुत हो गया, सच में निकलते यहाँ से। और यहाँ पे ग्रूमिंग वगैरह सिर्फ उज्जल ने ही करवाया। अगले दिन सुबह सुबह हम तैयार हो जाते हैं एक नए जगह पे जाने के लिए, और वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो को इधर ही एंड करते, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।